प्रभात बच्चों, आज हम भाषा भारती पाठ 5 करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम नए शब्द पढ़ेंगे। विद्यार्थी पनिहारिनो बोप देव प्रविष्ट सुजान अनुत्तीर्ण प्रणाम अभ्यास आरंभ निरर्थक। ये बहुत अच्छी कहानी है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। बच्चों, इसका अर्थ है यदि हम बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, हम बुद्धिमान हो जाएंगे। प्राचीन काल में संस्कृत के एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था बोपदेव। बचपन में वे बड़े मूर्ख थे, वे गायें चराते थे। बोपदेव के माता पिता ने उन्हें 7 वर्ष की आयु में विद्या ग्रहण करने के लिए आश्रम भेजा। उस आश्रम में अनेक विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने आए हुए थे। बालक बोपदेव भी वहाँ बड़े चाव से विद्या ग्रहण करने गए, किंतु न जाने क्यों उन्हें अपना पाठ याद नहीं होता था। उनके पिताजी ने ठीक 7 वर्ष पूरे होते ही उनका गुरुकुल में दाखिला करवा दिया था। बच्चों, पहले बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। शरीर से स्वस्थ होते हुए भी ना जाने वह पढ़ने में इतने कमज़ोर क्यों थे। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें पूरा पाठ याद नहीं हो पाता था। जब वार्षिक परीक्षा हुई तो बोपदेव अनुत्तीर्ण घोषित हो गए, यानी कि वो फेल हो गए। वे चाहते थे कि गुरुकुल छोड़कर चले जाएं, किंतु गुरुजी के समझाने पर वह उसी श्रेणी में रहकर पढ़ाई करने को तैयार हो गए। इसी प्रकार दूसरा वर्ष भी व्यतीत हो गया। इस वर्ष भी उनका परिणाम वही था जो पहले वर्ष था। परीक्षा परिणाम सुनकर बोपदेव का दिल टूट गया। बोपदेव में हीन भावना जाग उठी।